हेलो दोस्तों दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग लेंस को पढ़ेंगे। तो मिरर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको जाके आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में अब हम लोग शुरुआत करेंगे लेंस, और कुछ वीडियो में हम लोग अब लेंस से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मिरर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लेंस होता क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट जो है साइंस का उसको बेस्ट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेंस होता क्या है। तो लेंस क्या होता है, लेंस जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेंस जो होता है स्फेरिकल ग्लास होता है, जिसका दोनों किनारा जो होता है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब लेंस में अगर हम बात करेंगे तो लेंस में क्या होगा, रिफ्रेक्शन होगा, लाइट रेस जो होगा वो लेंस से क्या होगा पास कर जाएगा। जबकि दोस्तों मिरर में क्या होता था, लाइट रेस जैसे ही मिरर से टकराता था वापस आ जाता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था। जबकि लेंस जो है दोस्तों, लेंस से लाइट जब टकराएगा तो वापस नहीं होगा, पार हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस में क्या होता है, रिफ्रेक्शन होता है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेंस जितना भी टुकड़ा में टूट जाए तो लेंस जो भी टुकड़ा में टूटेगा उसका हर एक पीस जो होगा दोस्तों वो लेंस की तरह काम करेगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर एक थिक लेंस है, मोटा अगर लेंस होगा तो वह रे को दूर तक नहीं फैला पाएगा, दूर तक नहीं भेज पाएगा। ठीक है, जबकि पतला लेंस जो होता है दोस्तों वह रे को दूर तक भेज सकता है, इसलिए दूर के चीज़ों को देखने के लिए पतला लेंस का इस्तेमाल होता है। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर जो आप पढ़े थे, कॉनकेव मिरर उसका तुलना कीजिएगा कॉन्वेक्स लेंस से, और कॉन्वेक्स जो मिरर आप पढ़े थे उसका तुलना कीजिएगा कॉनकेव लेंस, उल्टा करके आपको तुलना कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर आप देखें तो दोनों इसका जो किनारा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है, जबकि कॉनकेव लेंस का अगर हम बात करेंगे तो इसका दोनों किनारा जो होता है वो कॉनकेव मिरर के जैसा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स बीच में मोटा होता है और ऊपर पतला होता है, जबकि कॉनकेव ऊपर जो होता है मतलब एंड पे जो होता है मोटा होता है और बीच में क्या होता है पतला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉनकेव का तुलना कीजिएगा कॉन्वेक्स से और कॉन्वेक्स का तुलना कीजिएगा कॉनकेव से। कॉन्वेक्स जो लेंस होगा दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मिरर में अगर हम बात कर रहे थे तो कॉनकेव मिरर जो था वो सिकुड़ रहा था लाइट को, उसको हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर बोल रहे थे। जबकि इसका उल्टा होगा, कॉन्वेक्स जो होगा यह लाइट को सिकुड़ेगा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को दोस्तों हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, सिकुड़ता है। जबकि दोस्तों हम लोग कॉनकेव मिरर का बात किए थे तो वो क्या कर रहा था, लाइट को कॉन्वर्ज कर रहा था, और जबकि कॉन्वेक्स लेंस का बात किए थे तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, लाइट को डाइवर्ज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लाइट को कौन डाइवर्ज करेगा, कॉनकेव मिरर लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इसीलिए कॉनकेव मिरर को दोस्तों हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस को हम लोग इसीलिए दोस्तों कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो याद रखिएगा मिरर से जस्ट उल्टा हो जाएगा, मिरर में कॉनकेव कॉन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था, और इसका उल्टा हो जाएगा लेंस में, कॉनकेव वाला हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स वाला हो जाएगा आपका कॉन्वर्जिंग, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस याद रखिएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर दोनों एंड होगा इसका, दोनों जो किनारा है कॉन्वेक्स मिरर जैसा होगा, और यह जो होगा ऊपर क्या होगा मतलब एंड पर क्या होगा, पतला होगा, बीच में क्या होगा मोटा होगा, बीच में मोटा होगा उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, याद रखिएगा। सच लेंस विच आर थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, दीज लेंस कन्वर्ट द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, दैट इज वाई कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंसेज। आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो भी इन्फिनिटी से रे आएगा उसको यह क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है दोस्तों वो सिकुड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम लोग टेलीस्कोप में करते हैं, माइक्रोस्कोप में भी हम लोग करते हैं, इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास में भी किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कैमरा में भी किया जाता है, और वाटर ड्रॉपलेट जो होता है दोस्तों या ड्यू ड्रॉपलेट्स मतलब जो
पानी का बूंद हो जाए तब, या शबनम का जो बूंद होता है वो सब किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। हमारा जो आँख होता है दोस्तों, ह्यूमन आई जो होता है वो किसके तरह बिहेव करेगा, वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं यही सब चीज़ें। अब आगे देखेंगे दोस्तों कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस में क्या होगा, या दोनों जो एज होगा, दोनों जो किनारा होगा इस लेंस का, वो किसके तरह होगा, कॉनकेव मिरर में जैसा था वैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर टाइप का इसका एज है, इसीलिए इसको हम लोग याद रखेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होगा दोस्तों, ऊपर मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला होगा। जबकि कॉन्वेक्स लेंस को देखिएगा तो ऊपर क्या था, ऊपर ये पतला था और बीच में क्या था, मोटा था। जबकि ये जो होगा ऊपर मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, यह लेंस जो होता है दोस्तों, जो भी रे आता है उसको फैलाता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। अब इसका इस्तेमाल होता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, वाटर बबल्स जो होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, याद रखिएगा। जबकि वाटर बबल्स जो होता है, वाटर का जो बुलबुला होता है, वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, जबकि वाटर बबल जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। चश्मा में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस में इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद फ्लैश लाइट, जो भी लाइट होता है उसके आगे वाला जो शीशा होता है वो भी आपका यूज होता है। ठीक है, किसके रूप में, कॉनकेव लेंस के रूप में फ्लैश लाइट में भी यूज किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, बहुत सारे घरों में जो गेट होता है, गेट में एक लेंस लगाया जाता है जिसे बाहरी आदमी को देखा जाता है, जिसको हम लोग दूर व्यूअर भी बोलते हैं। यह जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यह भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल भी, ठीक है, दूर व्यूअर के रूप में किया जाता है, जो गेट में लगता है सेफ्टी के लिए, ताकि बाहर कोई आदमी है तो उसको इस लेंस के सहारे उसको देखा जा सके। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इसको जाने, और दोनों का क्या क्या इस्तेमाल है इसको हम लोग जान गए। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।